आज ट्यूसडे 6 जुलाई 2021, मंगलवार 6 जुलाई 2021। आज रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज में पास्टर क्रिस ओयाकिलो में द्वारा जो वचन आज हमको सीखने के लिए मिला है, 1 तिमोथी 6:6 के आधार से है, एम्पलीफाइड क्लासिक वर्शन के आधार से है। 1 तिमोथी 6:6 एम्पलीफाइड क्लासिक वर्शन के आधार से। 1 तिमोथियुस की पत्री 6:6 इंग्लिश में ये विस्तारित बाइबल से लिया गया वचन है, हिंदी में ये हम BSI बाइबल से देखेंगे। 1 तिमोथी 6:6 के आधार से आज का विषय है, बी प्लीज्ड अबाउट टुडे, आज के लिए प्रसन्न रहिए। बी प्लीज्ड अबाउट टुडे, आज के विषय के लिए, आज के विषय के कारण प्रसन्न रहिए, आज के विषय के कारण प्रसन्न रहिए। आज जो है उसकी वजह से प्रसन्न रहिए, आज जो है उसकी वजह से प्रसन्न रहिए। बी प्लीज्ड अबाउट टुडे, हम वचन के आधार से देखेंगे ये विषय। एंड इट इज़ इनडीड अ सोर्स ऑफ इमेंस प्रॉफिट फॉर गॉडलीनेस एकॉम्पनीड विथ कंटेंटमेंट, दैट कंटेंटमेंट विच इज़ अ सेंस ऑफ इनवर्ड सफिशियंसी इज ग्रेट एंड एबंडेंट गेन। और एक बार पढ़ेंगे, 1 तिमोथी 6:6 एम्पलीफाइड क्लासिक वर्शन से लिया गया वचन है, एंड इट इज़ इनडीड अ सोर्स ऑफ इमेंस प्रॉफिट फॉर गॉडलीनेस अकॉम्पनीड विथ कंटेंटमेंट, दैट कंटेंटमेंट विच इज़ अ सेंस ऑफ इनवर्ड सफिशियंसी इज़ ग्रेट एंड एबंडेंट गेन। 1 तिमोथी 6:6 यही वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे। 1 तिमोथी 6:6 BSI बाइबल में से पढ़ेंगे, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। 1 तिमोथियुस की पत्री 6:6 पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। ये विस्तारित बाइबल में अगर देखेंगे इसी वचन को तो, एंड इट इज़ इनडीड अ सोर्स ऑफ इमेंस प्रॉफिट, ऐसा लिखा है यहाँ पर, विस्तार करके सिखाया गया इस वचन में कि बिल्कुल ये बात ऐसी ही है कि जो उगम है जो भक्ति के अंदर से होता है वो इतना तीव्रता का स्रोत है जो लाभदायी बन जाता है। Accompanied with contentment, that contentment which is a sense of inward sufficiency, और ये भक्ति के साथ होना, जो भक्ति के साथ होना, भक्ति जो है वो इतनी गहरी प्रकार की तीव्रता के साथ स्रोत है लाभदायी बनाने के लिए। और भक्ति होना यह एक तृप्त संतुष्ट होने का साथ है, जिसमें ऐसा एक अंदरूनी ऐसा एक संतुष्टि आ जाता है जो बहुत महान और बहुत ज़्यादा फायदे कराने वाला होता है। ये ऐसा है विस्तारित बाइबल में, 1 तिमोथियुस 6:6 और यही 1 तिमोथियुस 6:6 हम देखेंगे हिंदी में ऐसा है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। और एक बार पढ़ेंगे, 1 तिमोथियुस 6:6 पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। इट्स सो इंस्पायरिंग टू नो दैट एज अ चाइल्ड ऑफ गॉड यू कैन विन एंड हैव अ ग्लोरियस लाइफ एवरी डे, अ लाइफ दैट यू कैन बी हैप्पी अबाउट एवरी डे।
यह कितना ही प्रेरणादायी है इस विषय को जानना कि आप परमेश्वर की संतान हो और आप जीतते हैं और आप महिमा के जीवन में हैं। रोज के दिन में ऐसा जीवन जिसमें आपको सब कुछ के लिए आनंद है और हर एक दिन में अ की फैक्टर फॉर एंजॉयिंग योर लाइफ इज लर्निंग टू एंजॉय द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, लर्निंग टू रिकॉग्नाइज एंड बी सैटिस्फाइड विथ योर प्रेजेंट अकॉम्प्लिशमेंट्स एज यू एस्पायर टू ग्रेटर हाइट्स। इसमें से जो मूल भाग है वह यह है कि रोज के जीवन को आप आनंद से मनाते हो, सीखते हुए आप आनंद करते हो, बढ़ते हुए आप जो रास्ते है, क्रिया है, बढ़ने की क्रिया है आप में, जो आप उसका आनंद लेते हो, आप पहचानने का आनंद लेते हो कि आप सीख रहे हो, आप पहचान रहे हो और आप संतुष्ट हो जाते हैं। अभी के वक्त में जितना कुछ आपने प्राप्त किया, जैसा जैसा आप ऊंचे ऊंचाई तक आप निकल जाते हैं प्राप्त करते हुए, जैसे जैसे आपको प्रेरणा आगे आगे ऊंचे ऊंचे ऊंचाई तक लेकर जाता है, वैसे वैसे आप संतुष्ट को भी आनंद में लेकर चल रहे होते हैं। आपकी जो महत्वाकांक्षा है वह आपको ऊंचे ऊंचे जगहों को आप लेकर प्राप्त करने के लिए आपको आनंद से ऊपर उठते हुए जाने के लिए आप रहते हैं। सम पीपल आर नेवर सैटिस्फाइड विद देयर लाइव्स। कुछ लोग ऐसे हैं कि वह अपने जीवन के साथ कभी भी संतुष्ट नहीं रहते हैं। दे कैरी एन एयर ऑफ सैडनेस एंड डिसकंटेंट ऑल द टाइम। वह अपने अंदर एक ऐसी हवा जो दुख से भरी हुई और असंतुष्टि की लिए हुए चलते हैं सारे समयों में। This attitude worsens their situation, so they never really know what it means to be truly joyful. यह जो उनका मन का भाव है, उनकी मनोदशा है, वह उनको और भी ज़्यादा बुरी परिस्थितियों में लेकर जाता है, जहाँ इसी वजह से फिर वह यह जान ही नहीं पाते हैं कि सच में सच्चा आनंद भरा क्या होता है जीवन। ट्रू जॉय इज इन फुलफिलिंग योर गॉड गिवन पर्पस, बीइंग इन गॉड्स प्लेस एट गॉड्स टाइम फॉर गॉड्स पर्पस इन गॉड्स वे। सच्चा आनंद इसमें होता है कि जो परमेश्वर ने मकसद रखा है उसमें आप पूरे करते हुए जाते हैं, जिसके लिए आपको बनाया गया है, परमेश्वर के जगह में रखा गया है, परमेश्वर के समय में होते हैं, परमेश्वर के उद्देश्य के लिए होते हैं और परमेश्वर के काम, परमेश्वर के तरीकों में, रास्तों में आप होते हैं। Nothing could be more fulfilling than that. इससे बढ़कर और ज़्यादा परिपूर्ण होने का अनुभव कुछ नहीं हो सकता है। Forget the missteps of yesterday. जो गलत आपने कदम उठाए थे कल के दिन वो आप भूल जाइए। Don't be bothered about tomorrow. अगले दिन की चिंताओं को भी आप मत कीजिए। Enjoy today, आज के दिन को आनंद कीजिए। The regrets of yesterday and apprehensions about tomorrow are enemies of today's happiness. जो
कल का पछतावा है और आने वाले कल का चिंता है, डर है, शंकाएं हैं, शक है, यह सारे आज के खुशियों के शत्रु हैं। If you are not satisfied about today, tomorrow's dreams may never materialize. अगर आज आप आज के दिन के विषय के लिए आनंदित नहीं हैं और तृप्त नहीं हैं, अगर आप आज के दिन के विषय में संतुष्ट नहीं हैं, तो कल का जो आपका सपना है वो हकीकत में, वह सच्चाई में नहीं आ सकता है। Being satisfied about today does not mean shelving your dreams for a greater tomorrow. It just underscores your hopefulness, preparation, anticipation, and excitement for a more rewarding future. Hallelujah! आज के विषय में संतुष्ट हो जाना इसका मतलब यह नहीं है जो आपका सपना है आने वाला महान कल के लिए उसको आप अलमारियों में रख दे बस ऐसे ही पड़े रहने के लिए, ऐसा नहीं है। यह बस एक विशेष ऐसा जांच लेना है, देख लेना है, आशा पूर्णता, तैयारी, उत्तेजन और अपेक्षा से भरा हुआ जो बहुत बड़ा लाभप्रद भविष्य है, इस प्रकार से केवल हमने उसको देख के रखा है, ये मतलब हो जाता है आज के दिन में संतुष्ट रहना। आज के दिन में संतुष्ट रहना इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपके आने वाले जो महान कल है, सपना है आपका, उसको आप अलमारियों में बंद करके रख दो, ऐसा नहीं है। इसका मतलब आज का दिन में संतुष्ट रहो, इसका मतलब यह है कि आप बस देख के रखे हैं, आपकी आशा पूर्ण होता हुआ तैयारी के साथ, पूरी अपेक्षाओं के साथ और उत्तेजना से भरपूर होकर कि आने वाला बहुत लाभप्रद भविष्य है। हालेलुया।